नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां, जो ब्रॉडबैंड है वो काफी एक्सटेंड हो रहा है फिलहाल। इंडिया के अंदर काफी ज्यादा कंपनी है वो ब्रॉडबैंड लेके आ रही है, जिसके अंदर जियो का जो गीगा फाइबर है वो भी आ चुका है। तो ऐसे के अंदर भैया टाटा स्काई क्यों पीछे रहे, तो ऐसे के अंदर हम बात करने वाले हैं आज, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया था, टाटा स्काई के ब्रॉडबैंड के बारे में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या इसके प्लान होंगे, क्या इसके हमें बेनिफिट्स मिल पाएंगे, इनके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा ब्रॉडबैंड आपके लिए जो है सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टाटा स्काई के ब्रॉडबैंड के बारे में। और हाँ, अभी इसके कॉम्पिटिटर के बारे में यदि हम बात करें तो हमारे पास इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है जियो गीगा फाइबर। मतलब कि उसे मैं कंपटीशन में क्यों रख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ तो बेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और इसका दूसरा कॉम्पिटिटर है BSNL, अभी तक जिंदा है भाई BSNL। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ प्लान्स के बारे में, क्या है इसके अंदर हमें मिल पाएगा, कैसा है इसकी कनेक्टिविटी है। तो मैं आपको बता दूँ, जो टाटा स्काई है वो अपनी जो है भारत के अंदर बीस नए शहरों के अंदर जो है वो ये अपना ब्रॉडबैंड जो है वो लॉन्च कर सकता है, जिसके अंदर लखनऊ, नई मुंबई, नोएडा और काफ़ी सारी मेट्रो सिटीज़ जो हैं वो हैं। तो आप चेक कर सकते हैं इसकी, आपको जो लिस्ट है टाटा स्काई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में भी देखने को मिल जाए एक दो दिन के बाद। अभी तक इसकी जो ऑफिशियल लिस्ट है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके प्लान के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बेहतर है। ये आपको प्रोवाइड कराएगा अनलिमिटेड डेटा, बहुत ही अच्छी बात है। और इसका जो स्टार्टिंग प्लान है वो है 999 से शुरू, 999 रुपीज़ से शुरू। और इसके अंदर हमें जो 10 Mbps की इंटरनेट स्पीड मिल पाएगी और अनलिमिटेड डेटा मिल पाएगा एक महीने के लिए। और यदि बात करें इससे थोड़ा सा हाई स्पीड की, तो हमें मिल पाएगा 1250 रुपये के अंदर 25 Mbps की स्पीड हमें मिल पाएगी विद अनलिमिटेड डेटा। और यदि और बात करें तो एक प्लान इसका 1800 रुपये का है, जिसके अंदर हमें मिल पाएगी 75 Mbps की इंटरनेट स्पीड। और यदि बात करें 2400 रुपये के प्लान की, तो इसके अंदर हमें मिल पाएगी 100 Mbps स्पीड विद अनलिमिटेड डेटा। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं BSNL के। BSNL के भी कुछ प्लान अभी अवेलेबल है, 6999, 7999 का कुछ प्लान अभी अवेलेबल है, जो भी काफ़ी अच्छा प्लान है। और यदि बात करें हम जियो के गीगा फाइबर की, तो गीगा फाइबर जो है आपको प्रोवाइड कराता है 100 MB इंटरनेट स्पीड, और आपको ट्रिपल प्ले जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल कराता है। ट्रिपल प्ले के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये आपको जो है प्रोवाइड कराएगा आपका TV के लिए केबल सर्विस, और आपको प्रोवाइड कराएगा इंटरनेट, और आपको प्रोवाइड कराएगा टेलीफोन सर्विस। जबकि हम बात करें टाटा स्काई की, तो टाटा स्काई ने अपने जो है टाटा स्काई या केबल सर्विस और टाटा स्काई के जो ब्रॉडबैंड है इनको कहीं भी लिंक नहीं किया, दोनों के लिए सेपरेट प्लान है। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको तीनों ऑप्शन मिल पाते हैं तो तीनों के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जियो का गीगा फाइबर। मेरा सजेशन यही, आपका सजेशन क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और यदि आप इनमें से टाटा स्काई ब्रॉडबैंड या फिर जो BSNL ब्रॉडबैंड या जियो गीगा फाइबर यूज़ करते हैं, तो कौन सा आप यूज़ करते हैं, कौन सा आपको कितनी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवा पा रहा है किस प्लान के अंदर, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और हाँ, जियो जो है अभी तक जो है अपने प्लान जो है अपने कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है, अभी तक उनकी बिलिंग स्टार्ट नहीं की है। ये कब से बिलिंग स्टार्ट करेगा इसके बारे में कोई अभी अपडेट नहीं है, लेकिन अभी तक जियो काम कर रहा है अपने जियो गीगा फाइबर पे। और मेरे को लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन होगा, यदि मेरे को ये यहाँ पे अवेलेबल हो पाए तो मैं बिल्कुल कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को पूरी आशा मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। मेरे को अपने 4 Mbps के जो है SSD के कनेक्शन के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, जो बार बार कम ज़्यादा होती रहती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे एनुअल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें नए वीडियो लेकर आने की हिम्मत। जो भी आपका सजेशन हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया, ताकि हम हमारे आगे आने वाले वीडियो में इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।